हेलो एवरीवन, अगेन श्वेता। एंड देखो आज मेरे साथ कौन है। हाय, हम अपना मास्क उतार लेते हैं ताकि हमारे ऑडियंस हमें पहचान ले। हेलो, कैसे आप सब लोग? हाउ यू ऑल? ऑल गुड। आवाज आ गई मेरे को। ऑल मैं कोविड प्रोटेक्शन कर लूँ ना, बहुत कोविड फैल रहा है। कोविड प्रोटेक्शन फैल रहा है। मैं नहीं उतार रही, मुझे कोई कोविड की प्रोटेक्शन नहीं, मुझे बहुत प्रोटेक्शन चाहिए कोविड की। चलो चलो साथ साथ। सो आज हम लोग बाहर हैं, थोड़ा सा टाइम लगा है हमें अपने ऑफिशियल यू नो टाइमिंग से बाहर आने का। हम लोग एक्चुअली रोज़ सोचते हैं कि हमने बाहर धूप सेकने के लिए जाना, बिकॉज वी आर लैकिंग दिस सन एनर्जी। धूप मिलती क्या है? धूप मिलती क्या है? और हमें अंदर बैठे बहुत ठंड लगती है, एंड वी ऑलवेज यू नो सफर विद कोल्ड एंड दिस यू नो शिवरिंग। सो वी ऑलवेज प्रेफर कि हमने बाहर आना है, पर चलो आज हमारा टाइम लगा, हमने सोचा है कि आप लोग के साथ बात भी करें। एंड चलिए हम, क्योंकि हमेशा आपको पता है जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। सो क्योंकि आज हम बाहर आए हैं, हम धूप सेकने के लिए आए हैं, तो इंग्लिश में धूप सेकने को क्या बोला जाता है? चलो नहीं मैम, मुझे क्या पता है इंग्लिश, इनको नहीं पता, मुझे पता है उनको पता है, पर आज उन्होंने डिसाइड किया श्वेता मैम मैंने आज नहीं बोलना, आपने बताना। सस्पेंस कैसे बनेगा ना? हाँ, सस्पेंस कैसे बनेगा? सो धूप सेकने को इंग्लिश में बोला जाता है सन बेद। यस, स्पेलिंग जो है वो ये है SUNBATHE। सन और बेद टू डिफरेंट वर्ड्स हैं, एंड ये टोटल में सन बेद कहलाते हैं। अब कुछ लोगों को ये यू नो डाउट है कि सन बाथ भी कुछ लोग इसको कह देते हैं, कुछ लोग इसको सन बेद कह देते हैं, बट असल में इन दोनों में फ़र्क है, आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। सन बाथ जो कि यहाँ पे बाथ वर्ड है, वो एक नाउन की तरह यूज़ होता है, और सन बेद जो बेद वर्ड है वो वर्ब की तरह यूज़ होता है। आपको एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। सन बाथ का एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि आई लाइक टू बाथ, मतलब कि मुझे बात लेना पसंद है, तो यहाँ पे नाउन जो है वो बात है। और दूसरा एग्जांपल है बेद का, किसी बेद हर वूंड, किसने अपने जख्म को धोया। यस, दैट मींस शी डिड एन एक्टिविटी, उसने एक एक्टिविटी की। यस, वर्ब हुआ, वर्ब मींस कार्य, कोई एक्टिविटी हुई, एंड बेद मींस कि उसने अपने अपने जख्मों को धोया। यस, एंड बात इज सिंपली अ नाउन जिसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। ओके, सो आई होप सो आपको ये वर्ड क्लियर हो, एंड हमेशा की तरह आपको हमने कुछ ना कुछ सिखाया है। उम्मीद है कि आपने आज सीखा और आप इन वर्ड्स को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो बाय बाय, अब हम अपनी धूप सेकते हैं। हम लोग धूप एंजॉय करें, बड़ी मुश्किल से हमें धूप मिली है। धूप मिली है, अब आपको भी टाइम मिलेगा, आप धूप जरूर सेकें, एंड धूप सेकते सेकते हमारे इस वर्ड को जरूर याद रखें। ओके, बाय बाय, सी यू।